Dear students, today we learn how to write rational numbers between two rational numbers, right? Two rational numbers के बीच में, जैसे कि आपको पता है कितने rational numbers होते हैं, unlimited rational numbers are there in between two rational numbers, right? तो how we can write two rational numbers between any two given rational numbers. For example, 3 by 10 and 7 by 10. 3 by 10 and 7 by 10, there are two rational numbers. And we can write unlimited rational numbers in between these two rational numbers. For example, 3 by 10 afterwards, what comes? 4 by 10. 5 by 10, 6 by 10. Three rational numbers are there in between these two rational numbers. But students, not only three, so many rational numbers can exist between 3 by 10, 7 by 10. So many means unlimited. Unlimited rational numbers can exist in between any two rational numbers. Next example, you have to write three rational numbers between minus 2 and 0. Minus 2 और 0 के बीच में आने वाले हमें three rational numbers को लिखना है, right? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको हम minus 2 को rational numbers के form में express करेंगे. हम minus 5 by 5 से multiply कर रहे हैं. कोई भी number हम ले सकते हैं. 6 by 6, 7 by 7, कोई भी number हम ले सकते हैं जिससे कि हम माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? दैट इज माइनस 10 बाय 5. अब जीरो को भी हमें मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से. 5 बाय 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 0 बाय 5, राइट? अब हमें लिखना है माइनस 2, दैट इज माइनस 10 बाय 5. अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? माइनस 9 बाय 5, माइनस 8 बाय 5, माइनस 7 बाय 5, माइनस 6 बाय 5, माइनस 4 बाय 5, अप टू 0 बाय 5, दैट इज 0. एंड वी कैन राइट एनी थ्री रैशनल नंबर्स आउट ऑफ दीज रैशनल नंबर्स. जो भी इनके बीच में रैशनल नंबर आए, हमें 3 लिखने हैं तो हम 3 लिख देंगे, 4 लिखने हैं 4 लिख देंगे. जितने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें जितने रैशनल नंबर्स लिखने होते हैं हम लिख देते हैं. पहले क्या हमें करना होता है कि जो डिनोमिनेटर है अगर रैशनल नंबर का, वो सेम फॉर्म करना होता है. यहाँ पे हम 5 फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर हमें 5 हम फॉर्म कर रहे हैं तो हमें 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी, मींस 5 बाय 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? नाउ देयर इज वन मोर मेथड टू राइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, we have to write three rational numbers between 1 and 2. 1 और 2 के बीच में हमें rational numbers लिखने हैं. अब हम दूसरा method use करेंगे. यहाँ पे हम denominator same form नहीं करेंगे. एक और method है जो हम use करते हैं. जैसा कि हमने class 7 में mean find करना सीखा था. mean कैसे find करते हैं? कि given numbers को add करके numbers, जितने total numbers होते हैं उनसे हम divide कर देते हैं. तो गिवन नंबर्स है 1 एंड 2. 1 एंड 2 के बीच में अगर 1 और 2, सपोज यहाँ पे इंटीजर है, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता. लेकिन 1 एंड 2 अगर इंटीजर रैशनल नंबर्स हैं, तो अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स कैन एग्जिस्ट इन बिटवीन 1 एंड 2. 1 और 2 के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स हो सकते हैं. तो हम पहले 1 और 2 का मीन फाइंड करेंगे. तो इसके लिए पहले हम 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 प्लस 2, तो और 2 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज देयर आर टू रैशनल नंबर्स, 1 बाय 1 एंड 2. तो दैट इज 3 बाय 2. 3 बाय 2 एग्जिस्ट इन बिटवीन 1 एंड 2. 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करता है. अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें, 1 एंड 2 and 3 by 2 lies in half ways between 1 and 2. 1 और 2 के बीच में बिल्कुल ये 3 by 2 lie करता है, right? अब 1 और 3 by 2, अब हमें 3 rational numbers मिल गए and 2.
तो हम 1 और 3 बाय 2 के बीच में भी हम मीन फाइंड करके रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम 1 एंड 3 बाय 2 का मीन फाइंड करेंगे, मीन ऑफ 1 एंड 3 बाय 2। तो पहले हम दोनों को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आर देयर 2 ओनली, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 प्लस 3 बाय 2 को ऐड करेंगे 5 बाय 2, और 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे यूज करते हैं और इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं 1 बाय 2 दैट इज 5 बाय 4। अब ये 5 बाय 4 लाइज इन बिटवीन 1 एंड 3 बाय 2, 1 और 3 बाय 2 के बीच में, बिल्कुल बीच में, हाफ वेज इन बिटवीन 1 एंड 3 बाय 2 के बीच में ये लाई करता है। अब इसी तरीके से हम 3 बाय 2 और 2 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, इसको हम मीन के मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब हम 3 बाय 2 और 2 का मीन फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 बाय 4 आएगा, और 7 बाय 4 एग्जिस्ट इन बिटवीन 3 बाय 2 एंड 2। इसी मेथड से चिल्ड्रन वी कैन फाइंड अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स। हम 1 और 5 बाय 4 का मीन निकालें तो हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, 5 बाय 4 और 3 बाय 2 का मीन निकालें तो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, राइट। और जो रैशनल नंबर आ रहे हैं उसी तरीके से हम मीन फाइंड करके अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो 5 बाय 4 है, 5 बाय 4 इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3 बाय 2। सिमिलरली 3 by 2 and 7 by 4 and 2 by 2, right? So 5 by 4, 3 by 2 and 7 by 4, these are three rational numbers in between 1 and 2. Thank you.